हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम आप सभी का अनअकैडमी लॉ पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम होपिंग कि आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान भी रख रहे हैं बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग अक्रॉस द कंट्री एंड नाउ दैट वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन इट बिकम्स पैरामाउंट कि आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। इट इज़ अ की एस्पेक्ट फॉर एनी सक्सेसफुल कैंडिडेट। बिना अपनी तबीयत का ध्यान रखे आप एग्ज़ाम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे और 100% नहीं दे पाएंगे तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा मलाल रहेगा। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नाउ। सो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इट्स अ फॉलो अप फ्रॉम यस्टरडे दैट वेयर थिंग्स आर हॉटिंग अप अ लिटिल इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय महावीर, हेलो ध्रुवेश, हाय लक्षिता, हेलो गायत्री, हाय अर्चिका, हेलो एवरीवन एल्स। सो आप सब एक बात समझते हैं कि हम प्रोग्रेसिवली न्यूज़पेपर एनालिसिस का टाइम कम करते जा रहे हैं। यू नो फॉर स्टूडेंट्स जो एनालिसिस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं पिछले साल से, उन्हें पता है कि आई स्टार्टेड आउट विद ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स का न्यूज़पेपर एनालिसिस विच हैज़ नाउ ऑलमोस्ट रीच 35 मिनट्स। दिस इज़ द टारगेट टाइम दैट आई एम चेजिंग। सो अगर आपको ये टाइमिंग बेटर लगता है या यू वॉन्ट, वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाउ आर यू लाइकिंग दिस न्यू वे ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ शॉर्ट एंड टाइम। ये आपकी ओपिनियन भी इक्वली मैटर करती है कि आप कितना समझ पा रहे हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। अगर आप यहाँ सबसे पहली बार हैं और मुझे सबसे पहली बार देख रहे हैं तो आई एम कुशाग्र गोयल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी, अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, एंड यू ऑल कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल दैट इज कुशाग्र गोयल _unacademy। एंड हमारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो bit.ly/KUSSGK नोट्स के थ्रू। सो ऑन दैट नोट देर इज वंस अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सब ज़रूर से ज़रूर अपने आपको मॉक टेस्ट रेडी रखिए फॉर द एग्जामिनेशन। एंड फॉर दैट एंडेवर 16 तारीख को क्लैट का मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए 2 बजे। सो भूलिएगा मत इसके लिए रजिस्टर करना। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके पास चांस है 100% स्कॉलरशिप का, बट बाकी सब स्टूडेंट्स को भी ये टेस्ट ज़रूर देना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस इज़ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ प्लीज़ डू गिव इट। एंड अगर आपको रजिस्टर करना है तो कोड इज़ KUSSGK। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एल्स। हाय विद्युत, हाय दमनजीत, हाय पीयूष, शुभम, यश, आई एम डूइंग वेरी गुड, हाउ आर यू, हाय प्रांजलि, हेलो आयुष्मान, हाय नैन्सी, हाय दुर्विश। सो लेट्स बिगिन। अब आप सबको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड हैज़ बीन इन द सेंस ऑफ अ स्लो डाउन इकोनॉमिकली। इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो हम लोग खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिस। अगर आपको पता है कि आपकी इनकम कम होने वाली है तो आप खर्चा और कम करेंगे। जब आप खर्चा कम करेंगे तो जो एक इकॉनमी है विच स्ट्राइव्स ऑन मोर एक्सपेंडिचर, कैपिटलिस्ट इकॉनमी स्ट्राइव्स ऑन कंज्यूमरिज्म, मोर एंड मोर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आपके पास आज एक फ़ोन है, 6 महीने बाद फिर से एक और फ़ोन लीजिए, एक टैबलेट, एक कंप्यूटर भी लीजिए। एक कंप्यूटर है तो उसके साथ एक लैपटॉप भी होना चाहिए, लैपटॉप है तो एक टीवी होना चाहिए, स्मार्ट टीवी के साथ स्मार्ट स्पीकर होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमरिज्म। बट इन्फ्लेशन की वजह से growth prospects are falling and that is what is being reflected across the world, where India's growth prospect is now 6.8 this year. But ek outlier hai iske andar, India is still gonna grow. Bharat ki arthvyavastha fir bhi badhegi hi 6.8%, whereas the western economies are going through a recession. Matlab they will have a negative growth, they will go down, and that is where is does India have an opportunity. Okay, that is the key that we have. Okay, on that note, so इसमें आप सबको पता है हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसने कितना growth prospect दिया है इंडिया को, that is not important for us. ठीक है, very very good morning Vagita, hi, yes I am not new here anymore, Yash, not new at all, yes, and very good fact pointed out by you Vidyut, very good. So then we have these news, okay, none of this is important. So crime event, riots, cases, not important for us. Then we have the news on this side.
So in the for the first time, an open challenge to the collegium order has happened. So Supreme Court Collegium, which is CJI plus four senior most judges, ने 28 September को दो recommendations दिए थे of transfer of two judges. सरकार ने उसमें से एक अप्रूव कर दिया है और एक नहीं किया है. And that is what has happened, where Justice Muralidhar, who was to be appointed the Chief Justice of Madras High Court, his transfer has not been confirmed from Odisha to Madras High Court. And that is what this is about, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कलीजियम के ऑर्डर्स को इस तरीके से सेपरेट आउट करे या ना करे. सो लास्ट टाइम दो महीने पहले आर प्रीवियस चीफ जस्टिस दैट इज जस्टिस एनवी रमना, उन्होंने पब्लिकली ये पॉइंट आउट किया था कि ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन अपॉइंटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द फाइनल स्टे से, एंड दैट इज वॉट द गवर्नमेंट हैज़ डन एग्जैक्टली हियर. उन्होंने कलीजियम के ऑर्डर्स को एब्सोल्यूटली फॉलो नहीं किया है, एंड दैट इज वॉट दिस न्यूज इज अबाउट. इसके अंदर एक और न्यूज़ है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर, जिसको हम नेशनल न्यूज पे कवर करेंगे. एंड देन वी हैव द BCCI. सो BCCI, विच इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट के लिए विच इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, उनके करंट प्रेसिडेंट दैट इज सौरव गांगुली, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, विल नॉट बी रिटेन्ड एज द चीफ. Most likely the delegates of BCCI are not going to vote for him, and it seems but the secretary is going to continue. So ye reshuffling hai, iske bare mein there is now news that Roger Binney, another former cricketer of India, will be the one who will head BCCI now. Okay, so that is what this is about. Then so September month काफ़ी time बिना revision और बिना पढ़ाई के गया, क्या किया जा सकता है, जो हो गया वो हो गया, always move ahead, आगे का plan बनाओ. Okay, that is what this is about. And then we have rising pile up of RTI. So RTI applications में हमें इसमें से एक बात note करनी है कि कोई भी RTI application होती है उसके अंदर आपको 30 दिन में जवाब मिल जाना चाहिए. कितने दिन में? 30 days. But the pile up in our information commission offices is now all the way up to 314,323 inquiries are now pending with different information commissions. Okay, information nahi hogi to aap sarkar ko accountable nahi kar payenge, administrative, executive, legislature ko, and that is what RTI was all about. Usko अब आपने अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया है, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट. बट आरटीआई एप्लीकेशन 30 दिन में जवाब आ जाना चाहिए, जो सरकार ने नहीं दिया है. अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कोर्ट जाइए, सरकार के खिलाफ चैलेंज करिए. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे ये करने के लिए. दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट. देन वी मूव ऑन, नथिंग ऑफ नोट हियर, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस दीज नेशनल न्यूज. Then we have this one news that is coming up. भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि अब से जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, IIT, IIMs, AIIMS, उनमें जो पढ़ाई कराई जाती है, केंद्रीय विद्यालय, उनका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो अब रीजनल लैंग्वेज होगा. सो अगर नॉर्थ इंडिया है तो हिंदी होगी, साउथ इंडिया है तो तमिल. अभी तक क्या था, द लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, विच वॉज यूनिफॉर्म, एवरीबडी कुड स्टडी इट, एवरीबडी कुड स्ट्राइव फॉर इंग्लिश. नाउ अब for example a student who has cleared the IIT exam from South India, he goes to IIT Delhi, now he or she will have to study in Hindi, so unhe Hindi language padni padegi. That is what this is all about, ki opposing the move of imposition of Hindi as the language across the country. This is what this is about. Ye news sarkar ke khilaf aayi hai. Moving on, nothing of note here. Moving to the editorial section. So on the editorial side, आज का अखबार काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए. Lots of things in the newspaper, not that relevant from our exam point of view. Okay. But before we talk about them, let's talk a little about the three new batches that are coming. First of all is the batch for legal preparation. So students जिनको सिर्फ और सिर्फ
लीगल की तैयारी करनी है फॉर स्पेसिफिकली लीगल इम्प्रूवमेंट, वो लर्न लीगल बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो आज से स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से, वेयर यूल ओनली बी योर एंटायर लीगल सिलेबस विल बी कम्प्लीटेड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ द एलेट एग्जामिनेशन. सो ये बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. उसी तरीके से करंट अफेयर्स के लिए भी एक बैच है जो कल से स्टार्ट हो रहा है. एंड देन फॉर रीजनिंग, आप सबकी हाई डिमांड के ऊपर ये बैच स्टार्ट किया गया है फॉर रीजनिंग, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर द 14th. ओके, सो दिस इज वॉट दिस इज अबाउट. आप जल्दी से जल्दी इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. अभी सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 20% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे. सो नॉर्मली जब आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% मिलता है, बट अभी दिवाली के टाइम पे आप 20% डिस्काउंट, दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 4,000 रुपीज़ सेविंग ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अ मिनिमम ऑफ 6,000 रुपीज़ सेविंग ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल कर पाएंगे. इससे आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को स्टेप अप कर पाएंगे, प्लस आइकॉनिक में यू विल गेट बेटर बेनिफिट ऑफ लाइव मेंटरशिप प्लस डाउट सॉल्विंग प्लस प्रायोरिटी इन क्लासेस. सो कीपिंग दैट इन माइंड, जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए. अवेल द 20% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड KUSHGK. एंड बाकी किसी डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हो एट 8585858585 पर. क्या ये जो हिंदी इम्पोजिशन का ऑर्डर है NLU's में अप्लाई होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं होगा. ओके, दैट इज़ व्हाट द थिंग इज, क्योंकि NLU's आर स्टेट यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बट वो स्टेट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, तो अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है. देन सर रैंक कितनी लाए टॉप NLU मिल जाता है? इफ anyone getting top 1000 ranks within CLAT will get a good NLU. Okay, then we come to the first one. This is analysis of the Aam Aadmi Party, how they are ideologically not rooted in anything, which is a challenge for them, not nothing of note for us. And then we come to this news on the left hand side, nothing left to chance. So what has happened? Max Verstappen of, सो आप इसे स्पोर्ट्स न्यूज में नोट कर लीजिए, ठीक है. ओके, सो फॉर्मूला वन विच इज द मोटर स्पोर्ट रेसिंग या कार रेसिंग का पिनिकल, वहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन हैज नाउ वन हिज सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल. ही इज द विनर ऑफ द 2022 चैंपियनशिप, ड्राइवर्स चैंपियनशिप का विनर है. ही इज फ्रॉम नेदरलैंड्स. ओके, वेयर इज, विच कंट्री इज ही फ्रॉम? नेदरलैंड्स. ही इज अ डच ड्राइवर. ओके, राइट. हाई विशिका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. कितना कवर हो गया? वे जस्ट ऑन द न्यूज़ पेपर. ओके, अगेंस्ट देर आर 19 अदर ड्राइवर्स. ओके, सो इट्स अ कार रेसिंग वेयर देर आर 19 अदर ड्राइवर्स. सो ही इज फ्रॉम रेड बुल रेसिंग एंड हैज़ वन हिज टाइटल. सो नथिंग लेफ्ट टू चांस. लास्ट टाइम वेन ही हैड वन इट, इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच ही वन द रेस. दैट वॉज चैलेंज्ड, इट वॉज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ओके, so that is what this was about, but इस बार he has won it fair and square. That's all this is about. इसमें और हमें कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है. Then we come, blaming technology for deaths by suicide is misguided. So this is an article that is analyzing कि अभी हम कहते हैं
टीनेज लेवल पे सुसाइड रेट इज इंक्रीजिंग या मिलेनियल लेवल पे सुसाइड रेट इज इंक्रीजिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर या एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी. सो ऑथर्स का कहना है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, बट इसमें हमारे कुछ काम का नहीं है. दिस इज नथिंग टू वन रिलेटेड टू दिस हेडिंग अबाउट मैक्स वर्स्टैपेन विनिंग, नथिंग लेफ्ट टू चांस का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये ग्लास है, दिस इज एन ग्लास आई एम ट्राइंग टू कैप. अब वॉट आई वॉन्ट टू डू इज कैच दिस ग्लास, समबडी थ्रोज इट, देर इज अ लॉट ऑफ probabilities. Will I be able to catch it? Will I not be able to catch it? Will it fall? Will it break? If I drop it, will it break? There is a chance it may break. There is a chance it might not break. There is a scope of something unintended happening. That is what this is about. Nothing left to chance ka ye matlab hai ki it is whole and square, it is going to happen this way. So for example, agar main is pen se yahan pe likhunga to ek line hi banegi. There is no nothing left to chance here, it is certain event. So Max Verstappen ensured ki is bar jab when he becomes a world champion there is nothing of chance because he has dominated the championship. 18 mein se 12 races he has won and therefore nothing left to chance. Okay, this is what this is about. Ab purani controversies are not relevant for us, that's why we are not talking about it. And then solutions by the people for the people. So this is an editorial good for your reading on economic policies. Okay, so it is saying ki abhi kya ho raha hai, we have a way of working in our, there are two kinds of things that every app that we have does, either they do too little too late or they take a big leap. So for example, education ke liye we have now moved online, exams have now moved on computers. So is that a big leap or is that a small leap? Is that going to benefit the society? Is that not going to benefit? So har cheez ko us tarike se analyze kiya jana chahiye for future generations of sustainable economics. Uske upar this article is, it's a good reading one. आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ काम का नहीं है. देर इज लॉट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन्वॉल्व, केन्शियन इकोनॉमिक्स, फ्रीडमैन इकोनॉमिक्स, वो सब हमारे काम का नहीं है. इसमें मिनिमम गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, बट द ऑथर इज सेइंग कि नहीं, हमारा स्लोगन क्या होना चाहिए, 3P होना चाहिए. क्या है 3P? पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट. कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए, प्लैनेट के बेनिफिट के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी पे होना चाहिए. That is what the author is demanding. But इसमें reading के हिसाब से ही है ये editorial. आपको आप पढ़ना चाहो, आप interested हो तो ही पढ़ना, otherwise there is nothing of that importance from the exam point of view. ठीक है, then we move on. So सबसे पहले strike out कर देते हैं क्या नहीं पढ़ना है. Urban consumers still not confident enough. भारत की economy पे उनका confidence अभी भी उतना नहीं है. Demand नहीं rise हो रही है. आप सोच रहे होंगे इस साल दिवाली पे you will probably spend a little less than you were doing earlier. That is what this is about. And then about Telangana politics there, nothing of note for us again. But yahan pe baat kari gayi hai, reading the Chinese tea leaves. So this is an analysis of what is gonna happen in China. And there are certain terms or phrases that is happening. So humne kal ek bahut bada article aaya tha about Xi Jinping's control of the party. Theek hai? So usse related certain phrases is what we can note it down from this one. Baat to ye article bhi same hi kar raha hai ki China ke andar absolute control of Xi Jinping, how he has managed it, he has now risen to the level of Mao Zedong, he is going to have absolute control. So absolute power ka Chinese word hota hai, keep noting it down, okay, from the article itself. Absolute power, Gojia Zuxi. Okay, absolute power, the Chinese word is Gojia Zuxi, right? So that is what now Xi Jinping will have. He now has Gojia Zuxi in terms of his control over the Chinese Communist Party. Who is the protege of Xi Jinping? Who is he grooming to be his successor? That is Ying Yong. Mr. Xi's protege, Ying Yong. Protege hota hai jisko aapne apni sharan mein le liya hai. For example, you could say that Pranab Mukherjee was a protege of our former Prime Minister Indira Gandhi. She took him as her protege
and then groomed him to party leadership. Similarly, with a lot of other leaders, usi tarike se political parties mein, people groom their successors. Okay, so that is what this is about. Then we have certain other phrases that are also there. Theek hai? So the position of Xi Jinping. Is not under question. He's gonna go to the level of Mao Zedong and he is gonna get a third term. ठीक है, but अभी तक क्या था, Chinese Communist Party had a retirement age, कि इस एज के बाद nobody will have a position of power in the Chinese Communist Party, but that is now gonna be done away with, where Xi Jinping, who is 69, is gonna get another tenure of 4 years. Okay, so being the hexin or core of the party central committee makes him the yibashao, or the first hand, signifies his absolute power. Yibashao means first hand control over the party. Prutik ka matlab idol nahi hota hai. Okay, prutik ka matlab hota hai aapka ward. Somebody you are grooming up to replace you in your successor. ठीक है, आपका उत्तराधिकारी. ओके, वो आपका प्रोटीग होता है. प्रोटीग आपका भगवान नहीं है. ठीक है, इट्स द ऑपोजिट. सो द लास्ट वर्ड दैट यू हैव टू नोट डाउन इज यिबाशाओ, और फर्स्ट हैंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल कमिटी फॉर शी जिनपिंग, यिबाशाओ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दैट ही इज गोना कंट्रोल, he is having his delegates of his own, वो सब बातें हमारे लिए काम की नहीं है. सो ये बचाओ, गुंचिया जुक्सी एंड यिंग योंग, हु इज हिज सक्सेसर. ठीक है, दैट्स ऑल दैट वी नीड टू नोट इन दिस आर्टिकल. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. सो Come here. The number of posts of information commissioner. So, हमने first page पे बात करी कि how there are so many RTI applications pending. Why are they pending? Because 40, the number of posts of information commission that are lying vacant. Okay, and in Gujarat and Jharkhand there is none. So, almost 5% vacancy है हमारे अभी. Actually 20% vacancy in our information commission offices. Then we come Ashok Vijayadashmi controversy. So Vijayadashmi is the festival. In 1956, jab B.R. Ambedkar along with 50 lakh followers converted from Hinduism to Buddhism. He read 22 verses. He stated ki Hinduism has been abusive, it is not correct, and therefore Buddhism is what he was taking up along with his 50,000 followers. उसी को replicate अभी Delhi में किया गया, which has created a lot of controversy. ठीक है, Delhi के minister Rajendra Pal Gautam को अपनी party की position से resign करना पड़ा. वो हमारे काम की बात नहीं है. The thing is that Ashok Vijayadashmi is the festival when in 1956 B.R. Ambedkar converted to Buddhism. Okay, then we come, what are the allegations against Google by NBDA? So isko samajhne ke liye, let's come to this. Theek hai, ye aap sab dekh rahe hain Google ko. On your front screen now you can see Google, right? Let's say I search a news item, Ukraine Russia. Okay, now what has happened, you can see on your screen that there are multiple news outlets jinki stories yahan pe visible hai. There is Times of India, BBC, Indian Express, DW, NDTV, Al Jazeera. Theek hai, aap arrangement dekh pa rahe. Then there is other mentioned in news. Ab jitni bar I will open something, so let's say let's open Times of India. Okay, now when we open Times of India, you can see that apart from this, there is also advertisements that are loading on the right hand side. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ad, search for weekly report templates, writing samples. This is an ad. ये कोई news item नहीं है, ये एक ad है ना? उसी तरीके से
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप डील्स, आईफोन, चिमनी, मोबाइल फोन, लिनोवो, अमेजोन का एड है यहाँ पे, है ना। अब एड द न्यूज आइटम दैट वी वर रेफरिंग टू हियर, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस रेवेन्यू बाय गूगल। सो कम so we have ads multiple places again and again, okay, so in sub ads ka revenue sharing kitna hoga, so for example I go and click on this ad about a chimney here or a laptop here, okay, now I've been redirected to the place, now what has happened, Times of India has earned some amount of revenue because I have clicked on their ad and probably gonna purchase the product from Amazon, ठीक है। अब what has happened? The National Broadcasters and Digital Association ने Google पे एक complaint file करी है। उनका ये कहना है कि ये जो content है, लोग क्यों आते हैं उनकी website पे? Information के लिए। हम Google की websites पे इसलिए जाते हैं ताकि हम news देख सकें, है ना? हम news search करते हैं और news पढ़ना चाहते हैं। क्या हमें Google से news मिल रही है? आर वी गेटिंग आर न्यूज़ फ्रॉम गूगल? ये गूगल का पेज है। एम आई गेटिंग एनी न्यूज़ हेयर? बट द मोमेंट आई सर्च समथिंग, दैट इज़ वेन आई एम गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ न्यूज़, है ना। सो गूगल इज जस्ट रीडायरेक्टिंग मी टू डिफरेंट न्यूज़ आइटम्स, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द न्यूज़। गूगल ने ये न्यूज़ क्रिएट नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया, एक रास्ता दिया है जहाँ से हम न्यूज़ खोल सकते हैं, है ना। सो उनका ये कहना है कि ये जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 2/3 पैसा न्यूज क्रिएटर्स को मिलना चाहिए और गूगल को सिर्फ 1/3 मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, गूगल टेक्स अवे 49% ऑफ द रेवेन्यू, प्लस न्यूज वेबसाइट्स को खुद को अपने आप को अफ्लोट रखने के लिए एड्स देने पड़ते हैं। लेट्स टेक द अदर पॉइंट, सो वील टॉक, वील सी दिस, ठीक है। ये गार्जियन न्यूज पेपर है ना, इनकी वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि अभी कोई एड नहीं है, there is no ad until now, ठीक है, because instead they are seeking donation, but let's come to Indian Express. अब Indian Express में there is ad here, Express के बारे में खुद का ad है यहाँ पे, okay, then they have sponsored post, आप देख सकते हैं ये सब post से Indian Express ने revenue earn किया है, ठीक है, so they are making money out of it, so ad nahi hai but there is other way of earning, but let's come to the Hindu website. The Hindu website has an ad here, housing.com ka ad hai, okay, frontline ka ad hai. Ab I am a subscriber to most of them to mujhe ad kam aate hain, but if let's say let's go to Times of India again, so they have also advertisements right on the front page, है ना। so in सब ads से भी ये websites अपने आप को revenue देते हैं, they earn some amount of money through these ads, that is what they are saying. उनका ये कहना है कि हम खुद की website को afloat रखने के लिए Google को ad देते हैं, ये सब ads Google की तरफ से, और plus Google से जो revenue आता है उसका भी हमें half ही मिलता है, तो basically Google is earning two ways, एक तो वो खुद से earn कर रहे हैं, है ना, खुद की वेबसाइट पे जो वो ऐड देते हैं उससे उनकी अर्निंग हो रही है, दूसरा हम अपनी वेबसाइट पे भी गूगल को ही ऐड देते हैं, सो गूगल इज विनिंग टू वेज एंड दैट इज व्हाट वी डू नॉट वांट, एक फेयर डील होनी चाहिए, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दिस इज अ चैलेंज अबाउट, कि यहाँ पे हमें अपने हिसाब से या जो कॉन्टेंट हम क्रिएट करते हैं उसके लिए एटलीस्ट हमें फेयर रेवेन्यू मिलना चाहिए। बाहर ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, फ्रांस ऑल्सो हैव पुट दिस अप, ठीक है, और उन्होंने फोर्स किया इन बिग कंपनीज को टू पे देम गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज नाउ, वेदर दे विल बी एबल टू गेट अ सिमिलर डील इन इंडिया और नॉट। सो ये न्यूज आइटम समझने की बात थी, सिर्फ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, व्हाट इज दिस अबाउट, एड रेवेन्यू शेयरिंग, किससे रिलेटेड करता है ये न्यूज आइटम, एड
रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। ऑल राइट, देन लेट्स मूव ऑन। सो द वर्ड ऑफ द डे इज फ्लेग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल आउटरेजेस, दिस इज अ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज अ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ क्लास डेकोरम। ओके, सो फ्लेग्रेंट इज बेसिकली somebody who is an outrageous, gross event या gross कोई ऐसी हरकत करना, okay, so that is flagrant. Then we come to other national news. So the Prime Minister yesterday inaugurated a 856 crore first phase of the Mahakal Lok Corridor in Ujjain, which is for promotion of tourism around the temple town. Okay, सरकार के महालंकेश्वर temple के around this was there. Then we come to this news that the current Chief Justice, that is Justice U.U. Lalit, has now nominated Justice D.Y. Chandrachud as his successor. So if the central government accepts, he will be the first one after his father to become the Chief Justice. His father, Justice Yashwant Rao Chandrachud, was the 16th Chief Justice of India and the longest serving one. Okay? Justice Chandrachud has been a judge since the year 2000. He was appointed to the Supreme Court on 26th, a ceremony that I also attended in the court, and will become the 50th Chief Justice of India if the government approves. So there is still a if. Whenever that happens, hum tab confirm karenge. Tab tak ke liye unka nomination abhi ke liye kar diya gaya hai. Okay? D.Y. Chandrachud, that is Dhananjay Yashwant Rao Chandrachud. Okay? Dhananjay is his name. Y stands for his father's name, Yashwant Rao Chandrachud. Okay? That is what, apart from this, nothing of note here. Then, UN Secretary General, Prime Minister launch initiative on environment in Gujarat. What is this about? What is the initiative? Lifestyle for Environment Initiative. Jo Statue of Unity ke paas hoga, jiske liye pure desh mein 750 districts ke andar ek मैराथन चलाई जाएगी फॉर अवेयरनेस ऑन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस तरीके से जीना ताकि आप समाज के लिए या एनवायरनमेंट के लिए काम कर सके। सो उसको नोट करिए, व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, लाइफ इनिशिएटिव बाय विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग, दिस इज द की पार्ट इन दिस, ठीक है। देन वी कम next news item. So our Prime Minister also spoke at the second, so keep a note, second United Nations World Geospatial Information Congress, UNWGIC, कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में, where he talked about geospatial technology, जैसे कि drones technology का use करना, that is what this was all about. So technology is a tool of inclusion, not exclusion. उससे लोगों का फायदा होता है, नुकसान नहीं। That is what the Prime Minister was saying. क्या आपको ये अभी नोट करना है? हाँ, बिल्कुल करना है। Second United Nations World Geospatial Information Congress at Hyderabad. Environment, Lifestyle for Environment Initiative by Niti Aayog along with भारत सरकार to celebrate the National Unity Day. What is National Unity Day? National Unity Day is the birth date of सरदार पटेल, ओके, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनका बर्थडे होता है 31st अक्टूबर को। देन वी कम मूविंग ऑन ऑन इंटरनेशनल न्यूज। सो सबसे पहले G7 vows सपोर्ट फॉर यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, वेस्टर्न कंट्री सेइंग हाँ हम यूक्रेन के साथ रहेंगे, उनको हेल्प करेंगे जितनी उन्हें ज़रूरत है। ऑन दी अदर साइड अदर कंट्रीज आर readiness or escalation of the conflict in Ukraine that could happen. इसमें कुछ note करने का नहीं है, nothing of note. Then we come here. Israel and Lebanon reach a maritime border dispute. So जैसा India और Pakistan का, India China का border dispute है, उसी तरीके से Lebanon and Israel also have a border dispute. 2000 से they are still at war. अभी तक कोई peace treaty sign नहीं हुई है. But US ने ये border dispute broker कर लिया है. They have brokered peace at the border in Israel Lebanon, okay? So that is what this is about. इससे basically purpose ये है कि जो वहाँ की gas fields है, पानी के अंदर जो gas exploration है, उसको कौन करेगा, उसके बारे में अब settlement हो गया है। Karish oil field and the Kana gas field, okay?
हमने इसके बारे में कल की प्लस क्लास में बात करी थी फॉर स्टूडेंट्स हु आर देयर इन माय प्लस क्लासेस, उन्हें ये पता होगा. देन वी मूव ऑन. रशिया हैज़ लेबल्ड मेटा, विच इज़ फेसबुक का ओरिजिनल नेम नाउ, एज अ टेररिस्ट ग्रुप. ठीक है, दैट इज ऑल. उसके बाद नथिंग ऑफ नोट फ्रॉम इकोनॉमिक साइड. स्पोर्टिंग साइड में इंडिया वन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वन द मैच इन दिल्ली, नथिंग ऑफ नोट. उसके अलावा एशियन गेम्स, नथिंग नथिंग नथिंग. ठीक है, सो ऑन दैट नोट आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या नोट करना है. सबसे पहले CCP टर्म्स जो हमने नोट किए आर्टिकल में, चाइनीज टर्म्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है, उसके बाद एड शेयरिंग डिस्प्यूट, UN कांग्रेस एट हैदराबाद, and then lifestyle for environment. What is this UN Congress? This is this news item. United Nations Geospatial Information Congress, World Geospatial Information Congress. Okay. All right. And CCP terms मैंने आर्टिकल के अंदर पॉइंट आउट करवाए थे. कैसे भूल जाते हो आप लोग. यहाँ पे ये पॉइंटेड आउट है, Guangxia Zuxi, Ying Yong and how he has absolute control, that is Yishi Bao. Okay, Yiba Shao is the term for first hand absolute control in China. Okay, so that is what you have to note down. On that note, so इतना note करना है आज के newspaper में. ये जो newspaper है आपके पास Google Drive पे रहेगा, so please इसको वहीं से download कर लीजिएगा. तब तक के लिए on that note आप सब से विदा लेता हूँ. आप सब मुझे reach out कर सकते हो schedule के लिए, बाकी सब बातों के लिए Telegram channel पर, that is Kushagra Goyal _ Unacademy, वहाँ पे reach out करना. सारे doubts भी वहीं पे पूछ सकते हो. On that note, अगर आपको आज का analysis अच्छा लगा है तो please give it a thumbs up, like button दबाए बिना मत जाना कहीं भी. And if you are new to the channel, do subscribe. तब तक के लिए take care everyone. कल मुलाकात होगी same time पर. तब तक अपना ध्यान रखो. Do revise. Take care. Bye bye.